वजीराबाद में एमसी बॉयज हाई स्कूल में पंजाब के वजीर आला शहबाज शरीफ, विफाकी हुकूमत और सदर आसिफ अली जरदारी पर एक बार फिर भरपूर अंदाज में गरजे भी और बरसे भी। उनका कहना था कि जो लोग ये कहते हैं कि बेनजीर की कब्र का ट्रायल हो रहा है, वो ये जान लें कि कब्र के पीछे दरअसल चोरी और जाका जनी का माल छुपाया जा रहा है। इनसे जब एनआरओ और स्विट्जरलैंड में आपकी दौलत जो लूट कर ले गए हैं और जो बाकी दिन रात जो पाकिस्तान का सरमाया अपनी जेबों में डाल रहे हैं, जब इनसे ये कहा जाता है कि ये पैसा कौम को वापस करो, तो आगे से जवाब देते हैं कि ये तो बेनजीर की कब्र का ट्रायल हो रहा है। मैं इनको कहता हूं कि चोरों लुटेरों, बेनजीर की कब्र का ट्रायल नहीं हो रहा, तुम उसकी कब्र के पीछे छुपकर अपनी चोरी और डकैतीदारी छुपाना चाहते हो। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम गिलानी को ये मशवरा भी दिया कि वो अली बाबा और 40 चोरों का साथ छोड़कर अवाम का साथ दें, और अगर ऐसा ना हुआ और मुस्लिम लीग नून को अवाम ने वोट दिए तो हुक्मरानों को लाहौर और कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो उनका नाम भी शहबाज शरीफ नहीं। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वजीर आला ने एक बार फिर गो जरदारी गो के नारे लगवाए जिसका आवाम ने भरपूर जवाब दिया। वजीर आला की आमद के फौरन बाद पिंडाल में मौजूद लीगी कारकुन आपस में गुत्थम गुत्था हो गए।